अभी अभी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही है। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की अचानक तबियत बिगड़ने के बाद मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया बताया जा रहा है, जिसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी सर्जरी की गई। अमिताभ बच्चन के फैंस इस खबर के आने के बाद उनके लिए परेशान हो रहे और लगातार बिग बी के लिए दुआएं होने लगी। अस्पताल के हवाले से बताया जा रहा है कि बिग बी को सुबह ही भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है उनकी ये एंजियोप्लास्टी किसी दिल के मर्ज के कारण नहीं बल्कि पैर में हुए क्लॉट की वजह से हुए। बीती रात उन्हें एक इवेंट में जाने के बाद थोड़ी तकलीफ हुई, जिसके बाद उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। उसके बाद तुरंत ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद ही उनकी एंजियोप्लास्टी की गई है। अभी अमिताभ बच्चन अस्पताल में ही है और डिस्चार्ज नहीं किया गया। इस मामले पर परिवार की ओर से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। फिलहाल डॉक्टर की टीम की निगरानी में अमिताभ बच्चन का इलाज चल रहा है। सर्जरी के बाद बिग बी ने शुभचिंतकों को धन्यवाद कहा। वो पहले भी अपने फैंस को इसी तरह से आभार व्यक्त कर चुके। बता दें बिग बी की ये बीमारी हार्ट अटैक बन सकती थी, जिस वजह से उन्होंने फौरन अस्पताल पहुंचकर सर्जरी करा ली है। बिग बी इस वक्त कोकिलाबेन अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। बिग बी की एंजियोप्लास्टी की गई है। सर्जरी तब होती है जब हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा बनने लगते हैं। ये समस्या पैर में क्लॉट की वजह से होती है और कभी कभी ये समस्या जान पर भारी पड़ सकती है। अमिताभ बीते कई सालों से हादसे का शिकार होते जा रहे हैं, बार बार उनकी जान पर बीत रही है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के सेट पर भी अमिताभ को चोट लगी थी। KBC 14 की शूटिंग के दौरान उनके पैर की नस कट गई थी। वो दो बार खतरनाक बीमारी के शिकार भी हो चुके हैं। दिवाली 2022 से पहले भी बिग बी घायल हो चुके थे। दिवाली से ठीक पहले अपने पैर की नस कटने की जानकारी उन्होंने खुद दी थी और एक और लापरवाही हुई थी और बिग बी को हाइपेटाइटिस बी के संक्रमित व्यक्ति का खून भी चढ़ा था। एक्टर का 75% लीवर भी काम करना बंद कर चुका है। बिग बी पहले अस्थमा, लीवर प्रॉब्लम और निमोनिया से भी जूझ चुके हैं। कुली के सेट पर विलन से घुसा भी लगा था। मुश्किल से जान बची थी बिग बी की। और अब बिग बी के हार्ट अटैक की खबर के बाद लोग उनके लिए दुआएं करते दिखाई दिए। अस्पताल में हाई सिक्योरिटी के साथ उनका परिवार बुरी तरह रोते भी दिखाई दिया। अमिताभ बच्चन की जिंदगी पर एक बार नहीं, दो बार नहीं बल्कि कई बार मुसीबत आ चुकी है। बार बार कोई पुण्य का काम उन्हें बचा रहा है, वरना जिस तरह से अमिताभ बच्चन की हालत हुई है उसके बाद से हर कोई यही बोलते दिख रहा है कि बिग बी को ईश्वर ने दूसरा जन्म दिया है। जिस वक्त बिग बी कुली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे उस वक्त उनके लिए हर कोई दुआएं कर रहा था। विलन के एक घूसे ने बिग बी की हालत मौत की तरह बना दी थी। डॉक्टर के मुताबिक अमिताभ की हालत इतनी ज्यादा सीरियस हो गई थी कि उन्हें बचाना मुश्किल हो था। उनके अच्छे कर्म ही उन्हें बचा सके। पिछले कई सालों से बिग बी किसी न किसी हादसे का शिकार हो रहे हैं। पिछले ही महीने उनके हाथ में गहरी चोट आई थी, उससे पहले उनकी पीठ में भी चोट आई थी, पैर में भी चोट आ चुकी है। कई बार भयंकर हादसे का शिकार हो चुके बिग बी को इस बार हार्ट अटैक की भी शिकायत हुई। जी हाँ, कहा जा रहा है कि बिग बी की तबीयत बीते कुछ हफ्तों से ठीक नहीं है। उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी है। लीवर और अस्थमा से तो वो पहले ही दुखी थे कि अब पैर में खून जमने लगा है। इससे पहले बिग बी की हालत और ज्यादा बिगड़ती, उन्हें तुरंत मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। हालांकि यहाँ बिग बी की सर्जरी हो गई और ये सर्जरी हार्ट अटैक के खतरे की वजह से होती है। अब बताया जा रहा है कि बिग बी की तबीयत में सुधार है। उन्होंने पोस्ट लिखकर अपने शुभचिंतकों को धन्यवाद भी कहा, लेकिन अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं बताया जा रहा है बिग बी। शायद इसलिए उन्हें अभी डिस्चार्ज नहीं दिया गया।